प्रीता ने मार दिया राजवीर के लिए शौर्य को जोर से तमाचा और शौर्य का राजवीर को बम से उड़ाने का प्लान हो गया फेल। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब राजवीर शौर्य को और पूरे लूथा परिवार वालों को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देगा और अपनी जान की परवाह के बिना राखी माँ महेश उथरा की जान बचाएगा, तभी ऋषभ राजवीर की तारीफ करेगा और राजवीर की तारीफ करते हुए ऋषभ कहेगा कि आज अगर करण का दूसरा बेटा होता तो बिल्कुल वो राजवीर की तरह होता, या फिर कहूँ तो राजवीर ही होता जो एक बड़ा भाई बनकर अपने छोटे भाई की जान बचाता। और देखो आज ऐसा लग रहा है कि करण का दूसरा बड़ा बेटा आ गया है अपने भाई को बचाने। शौर्य राजवीर दोनों भाई लग रहे हैं। यह सुनकर शौर्य को मन में काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और शौर्य अपने जेब से राजवीर को जैकेट से उड़ाने के लिए बम का रिमोट निकालेगा और राजवीर के सामने गुस्से से देखते हुए कहेगा कि राजवीर तुझे ये जैकेट बहुत पसंद है ना। तभी पीछे से प्रीता आ जाएगी और प्रीता गुस्से में शौर्य को राजवीर के सामने देखते हुए देख लेगी, जहाँ पर शौर्य जैसे ही राजवीर को उड़ाने के लिए रिमोट का बटन दबाएगा तभी खुद राजवीर का ही लुटेरे के पहना हुआ जैकेट जलने लगेगा और ऋषभ महेश उथरा के पकड़े हुए लुटेरे के जैकेट में आग लग जाएगी जो शौर्य का जैकेट पहना होगा। यहाँ पर जब प्रीता लुटेरे के जैकेट को जलता हुआ देखेगी तभी प्रीता को काफी बड़ा शॉक लगेगा और प्रीता अपने मन में सोचेगी कि शौर्य ने इतने गुस्से से राजवीर के सामने रिमोट क्यों दबाया और उसके रिमोट का बटन दबाते ही जैकेट क्यों जला। ये जब प्रीता अपने मन में सोचेगी तभी काफी गुस्से से प्रीता शौर्य के सामने जाएगी और गुस्से में प्रीता शौर्य को तमाचा मार कर कहेगी कि शौर्य सच सच बता तूने जैकेट में क्या किया था और इस तरह मेरे बेटे राजवीर के सामने रिमोट को क्यों दबाया और तुम्हारे रिमोट का बटन दबाते ही उस लुटेरे के जैकेट में आग क्यों लग गई, ये तो जैकेट तुम्हारा था ना। तभी ऐसा सुनकर शौर्य कुछ बोल नहीं पाएगा। तभी पीछे से राजवीर गुस्से में आकर प्रीता को कहेगा कि माँ वो जैकेट शौर्य का ही था लेकिन शौर्य जैकेट में बॉम्ब लगाकर जैकेट के जरिए मुझे जलाकर मारना चाहता था और हमारी ये पार्टी शुरू होने से पहले शौर्य ने मेरे पास से जैकेट लिए थे जो शौर्य को और मुझे दोनों को फिटिंग हो रहे थे, इसलिए तभी शौर्य ने टेलर के पास जाकर मेरे जैकेट में बम लगा दिया ताकि मैं जलकर मर जाऊं। यह सुनकर प्रीता को काफी बड़ा झटका लगेगा और प्रीता एक और खींचकर शौर्य को तमाचा मारती हुई कहेगी कि शौर्य क्या यह सच है, राजवीर ने जो अभी कहा कि तुमने राजवीर का जैकेट सिलाई के बहाने ले जाकर उसमें बम लगवाए क्या यह सच है। तभी यह सुनकर शौर्य कहेगा हाँ और कहेगा कि मैं नहीं चाहता कि राजवीर मेरे घर रहे, मेरी जगह ले, ये मैं कभी नहीं चाहता। इस लूथरा खानदान का वारिस सिर्फ एक ही है शौर्य लूथरा, उसके अलावा इस लूथरा खानदान का कोई वारिस नहीं है, मैं इस घर को मेरे परिवार को आगे बढ़ाऊंगा। ये सुनकर एक भाई के नाते राजवीर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और राजवीर घमंड में हुए चकनाचूर शौर्य का घमंड तोड़ने के लिए शौर्य को कहेगा कि शौर्य बस अब तेरा बहुत हो गया, खानदान को और पूरे बिजनेस को आगे बढ़ाना कोई आसान बात नहीं है, पहले इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ सीखना पड़ता है तभी कोई बिजनेस आगे बढ़ता है। और गलती से राजवीर कह देगा कि इसीलिए तू अकेला नहीं है लूथरा खानदान के बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला, मैं भी हूँ, मैं इस खानदान का पहला वारिस हूँ, तेरा बड़ा भाई। ये सुनकर करण ऋषभ शौर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और लेकिन अब राजवीर और शौर्य दोनों भाई है, इसके असली सच्चाई पूरे लूथरा परिवार के सामने आनी चाहिए क्या नहीं, और राजवीर को प्रीता को असली सच्चाई उसके बेटे होने की बता देनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।